चंपारण बस स्टैंड पर लगने वाले अवैध मीट मार्केट पर प्रशासन ने एक बार फिर से जेसीबी चलाई है। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। रोजी रोटी की दुहाई देकर मीट विक्रेताओं ने इसका खुलकर विरोध भी किया, लेकिन एसडीएम शिवानी घर के आगे उनकी एक नहीं चल पाई। इस दौरान जिन दुकानदारों ने यहाँ गुमटियां और तंबू तान रखे थे, उन पर जेसीबी से खदेड़ दिया गया। हालांकि इस तरह की कार्रवाई यहाँ पहले भी की जा चुकी है, लेकिन प्रशासन का ध्यान हटते ही मीट कारोबारी फिर से अपनी जड़े जमाने में कामयाब हो जाते हैं। शिवानी गर्ग ने सभी दुकानदारों को कर्नलगंज में लगने वाले स्लॉटर हाउस में शिफ्ट होने की आखिरी चेतावनी दी है। इधर इस मामले में मीट दुकानदारों का कहना है कि वे शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ बुनियादी सुविधाएं मसलन सड़क, बिजली, पानी सहित दूसरी अन्य सुविधाओं को मुहैया कराया जाए, उसके बाद ही वे कर्नलगंज की ओर रुख करेंगे। यह देखने लायक होगा कि आने वाले समय में दुकानदारों को प्रशासन स्लॉटर हाउस में भेजने में कामयाब हो पाता है या नहीं।